नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं अंडा करी। अंडा करी के लिए हमने यहाँ पे अंडे बॉईल करके और हम इसे फ्राई कर रहे हैं। आप अपने फैमिली के हिसाब से जितने अंडे खाना चाहें उस हिसाब से आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 8 अंडे कर रही हूँ। हमने 8 अंडों को बॉईल करा है, उसके बाद में इसे फ्राई कर रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे ये मटर लिया है, उसको हमने उबाला नहीं है, अभी ये कच्ची मटर है। आप चाहे तो अंडों के संग इसे उबाल भी सकते हैं या डायरेक्ट सब्जी में बनाते हुए इसे पका लेंगे। मैं इसे डायरेक्ट ही पकाऊंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे ली है 4 प्याज, इसको मैंने ऐसे काट लिया है। और मैं ये 2 टमाटर भी काट लूँगी। और ये भी इसको मसाले के लिए मैंने इसमें लहसुन अदरक और मिर्ची डाल रही हूँ। आप जितना तीखा पसंद करते हैं उतना डालिए। और इसमें जीरा काली मिर्च भी डालेंगे। ये मैं इसमें जीरा काली मिर्च डाल रहा हूँ, थोड़ी सी इसमें डाल दिया। इसे मैं पीस लूँगी। ये मैंने इसको पीस लिया है। अब मैं इसमें हल्दी और धनिया डालूँगी। उसके बाद इसको मैं एक बार दोबारा से घुमा लूँगी ताकि धनिया और हल्दी भी मिक्स हो जाए। ये देखिए हमारा मसाला मिक्स हो गया है। अब हम इसे रख देते हैं साइड में और अब अंडों को निकाल लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, आप तेल रिफाइंड कुछ भी डाल सकते हैं। इसमें मैं एक लाल मिर्च डालूंगी, 2 तेज पत्ता। थोड़ी सी हींग, चुटकी भर हींग। इसमें मैंने ये 2 इलायची, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी और 4 लौंग डाल रहे हैं, खड़े मसाले। और इसमें हम प्याज डालेंगे। आपको भूनेंगे। देखिए हमारे प्याज भून रहे हैं, थोड़ा सा और भूनने देते हैं। इसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटरों को मैंने काट लिया है। टमाटरों को मैंने डाल दिया है। अब हम टमाटरों को भी प्याज के साथ में भूनेंगे। थोड़े से टमाटर गल जाएंगे, मसाला डालेंगे। देखिए टमाटर गलने लग गए हैं। अब इसके संग में मसाला डाल लेते हैं। साथ में नमक डाल देते हैं। मसाले को भूनते हैं साथ।
देखिए मसाले को, तेल छोड़ने तक मसाले को भूनेंगे, उसमें मसाला भूनते भूनते तेल छोड़ देंगे। देखिए हम 5 मिनट से मसाला भून रहे हैं और अभी मसाले में तेल नहीं छोड़ा है, अभी ये मसाला और भुनेगा। देखिए मसाला थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ रहा है, अभी अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी हम इसको और भुनेंगे। मसाले का कलर है जो वो चेंज हो जाएगा। अब देखिए मसाला थोड़ा भुन गया है, अब इसमें मटर डाल देंगे ताकि संग संग मटर भी भुन जाए और मसाला भी भुन जाए। मैं मटर के संग में मसाला भून रही हूँ, जो हमारा थोड़ा सा मसाला भुनना रह गया वो साथ में भुनने लगेगा। और मसाला भुनने का यह है कि देखिए कढ़ाई में मसाला चिपकने लग जाता है, ये देखिए लगातार चलाते रहिए। ये देखिए हमने मिक्सी जार में मसाला बनाया था, जो इसके थोड़ा सा पानी डाल लिया है, जैसे ही कढ़ाई में मसाला चिपकता है तो हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के चलाएंगे ताकि मसाला जले ना। मसाला डबक रहा है, हम अंडों को थोड़ा थोड़ा कट लगाएंगे ताकि मसाला अंदर तक जाए, पूरा नहीं काटना है, हल्का हल्का कट लगा देना है। मैंने कट लगा लिया, मसाले को चला लेते हैं। देखिए मसाले का कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क हो गया, मसाला हमारा पक रहा है, इसे और पकाते रहेंगे संग संग, गैस की लो तेज है। अब हम अंडा भी इसमें डाल देंगे। हम इसमें पानी डालेंगे ताकि मटर पक जाए, मैं इसमें आधा गिलास पानी डाल दे रही हूँ। तरी आप अपने हिसाब से गाढ़ी या पतली रख सकते हैं, हमें चावलों पे खाना है इसलिए हम थोड़ी सी तरी को पतला रखेंगे। चावल मैंने ऑलरेडी बना लिए हैं। ये देखिए ये ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा गाढ़ा है, अब इसको हम पकने देते हैं। अब देखिए हम इसे ढक देते हैं ताकि इस पर मटर उबाल आने पे पक जाए। ये देखिए हमारी सब्जी जो है ये
लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। हमें क्या बना, थैंक यू, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय।